नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइंत्रा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसने अंतिम जीत हासिल कर ली, मतलब ये कि ऐसा युद्ध जिसके बाद भविष्य में युद्धों की जरूरत ही ना रहे। हजारों साल से मनुष्य लड़ाइयां लड़ रहा है और आपसी संहार के एक से एक खतरनाक हथियारों का निर्माण करता जा रहा है। पिछली सदी में हुए दो विश्व युद्ध इस बात के प्रमाण। हिरोशिमा और नागासाकी में हजारों लोग मारे गए, लेकिन इंसान ने नए हथियारों के आविष्कार का काम नहीं छोड़ा। और आज हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो सेकंड्स में पूरे देश का सफाया कर सकते हैं। तो आज हम अपनी स्टोरी में दुनिया के पांच खतरनाक हथियारों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर आप कांपने लगेंगे, क्योंकि जब ये दुनिया के किसी भी हिस्से में फटेगा तो वहां की मानव सभ्यता का सफाया हो जाएगा। इंसानों के लालच और हवस ने इंसान को इतना गिरा दिया कि इंसान ऐसे ऐसे वायरस और विषाणुओं का इस्तेमाल करके ऐसे जैविक हथियार बना रहा है जो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों के बीच महामारियां फैला दे। एक बार इन हथियारों को दाग दिया गया तो उन्हें वापस लेना संभव नहीं होगा, फिर तो तबाही तयशुदा। इन हथियारों के इस्तेमाल को पकड़ना भी आसान नहीं, क्योंकि पहला अंदेशा हमेशा यही होगा कि बीमारी प्राकृतिक रूप से फैली, जैसे एंथ्रैक्स, ट्यूलरेमिया, प्लेग और इबोला। रासायनिक हथियार घातक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। इनसे शरीर में छाले पैदा हो जाते हैं, खून निकलने लगता है या लोगों का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, मतलब ये कि लोगों को लकवा मार जाता है। रसायन की मामूली सी मात्रा खतरनाक रिजल्ट पैदा कर देती है। जैविक हथियार की तरह वायुमंडल में एक बार रसायन फैल गया तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसे बनाना और इस्तेमाल करना सबसे आसान। इसके उदाहरण हैं मस्टर्ड गैस, रिसिन और लूसाइन। ये रसायन इतने खतरनाक हैं कि देशों को ऐसे रसायन एक टन से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं। फिशन या विखंडन बम। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त खतरनाक ताप का इस्तेमाल ऐसे हथियारों में होता है। फिशन बम को ही हम सामान्य भाषा में एटम बम कहते हैं। ऐसे हथियारों में संवर्धित यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। यह हथियार जिस इलाके में गिराया जाता है वहां नाभिकीय विस्फोटों की श्रृंखला चेन रिएक्शन पैदा होती जाती है। इस संवर्धित ईंधन को दागने के कई तरीके। फ्यूजन या संलयन बम, इसे आम भाषा में हाइड्रोजन बम कहते हैं। यह हथियार हाइड्रोजन के आइसोटोप ट्रिटियम और ड्यूटेरियम के बीच संलयन या फ्यूजन पैदा करते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर और स्टानिस्लाव युलेम ने सन 1951 में इसका विकास किया था। सन 1955 में रूसी वैज्ञानिक आंद्रे सखारोव ने इसे तैयार करके दिखा दिया। इसे ट्रिगर करने के लिए फिजन का इस्तेमाल होता है और फिर नाभिकीय फ्यूजन से भयानक ऊर्जा पैदा होती है। इसे फिजन बम से ज्यादा असरदार माना जाता है। दुनिया में चंद देश ही फ्यूजन बम का विस्फोट करने में सफल हुए, उनमें भारत, पाकिस्तान भी शामिल। बूस्टेड फिशन हथियार, ये असली फिजन बम है जिसकी विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए फ्यूजन रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्यूजन इतने ज्यादा नहीं होते कि उन्हें फ्यूजन बम कहा जाए। इनमें केवल फ्यूजन रिएक्शन से प्राप्त होने वाले न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रॉन बम, ये बम न्यूट्रॉन रेडिएशन के विस्फोट के साथ दागा जाता है। ये एक प्रकार का नाभिकीय हथियार है जिन्हें सॉल्टेड बम या रेडियोलॉजिकल हथियार कहा जाता है। इनमें हथियार के चारों ओर कोबाल्ट या सोने या ऐसे ही किसी पदार्थ को लपेटा जाता है। इसके विस्फोट के बाद होने वाला रेडियोएक्टिव असर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण तबाही कई गुना बढ़ जाती। क्योंकि विस्फोट का प्रभाव ज्यादा बड़ा नहीं होता, इससे उस इलाके की संरचना, इमारतों वगैरह को नुकसान नहीं होता, वे वैसी ही बनी रहती, केवल भारी संख्या में जनजीवन की तबाही होती। तो आप समझ सकते हैं कि ये पांच खतरनाक हथियार जिसे इंसान ने अपनी सभ्यता मिटाने के लिए बनाए और इंसान खुद ही लालच, नफरत, हवस के चक्कर में अपनी ही मौत का सामान बना लिया, जो दुनिया कह ले या मानव सभ्यता जिसका नाश करने के लिए काफी है।